हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 2015 का। स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लेश एंड ब्लड। 2, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम एंड द करेक्ट आंसर इज ए सूट टू अ टी। 3, द सिनोनिम ऑफ पॉसिटी इज एंड द करेक्ट आंसर इज डी स्कार्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ विविसेक्शन इज, करेक्ट आंसर इज ए डाइसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटोनिम ऑफ एस्पेरिटी इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माइंडलेस। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटोनिम ऑफ प्रोस्क्राइब इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिस्क्राइब। 7th, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हेयर मीन्स एंड द करेक्ट आंसर इज ए वन हु इनहेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज बी डिकेड। क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड फॉर मनी गिवन एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स इज, करेक्ट आंसर इज सी एलिमनी। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पावर। क्वेश्चन नंबर 12, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स, ऑप्शन ए ग्रेफाइट। 1 horsepower is equal to 746 watts. 15, nautical mile is a unit of distance used in, option A, navigation. Question 16, who was known as Iron Man of India? And the correct answer is option B, Sardar Vallabhai Patel. Question 17, Professor Amartya Sen is famous in which of the fields? And the correct answer is option C, economics. 18, which of the following Satyajit Ray associated with? And the correct answer is film direction. Question number 19, Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instruments? And the correct answer is sarod. 20th, who is the creator of the Rock Garden in Chandigarh? And the correct answer is D. Nek Chand. 21, who is known as the lady with the lamp? And the correct answer is A. Florence Nightingale. 22, the largest ocean in the world is, the correct answer is D, the Pacific Ocean. 23, who invented the first controllable flying aeroplane known as airplane? Correct answer is A, Wright Brothers. Question number 24, who invented dynamite? Option D, Alfred B. Nobel. 25, who synthesized the first wholly artificial gene? And the correct answer is A, Hargobind Khurana. 26, the film Salaam Bombay was directed by, correct answer is option B, Meera Nair. 27, the owner of Star TV is, option A, Rupert Murdoch. 28, who said man is a political animal? And the correct answer is option B, Aristotle. Question number 29, who directed the world famous film The Gandhi? And the correct answer is Richard Attenborough. Question number 13, the book Letters from a Father to His Daughter was written by, and the correct answer is C, Jawaharlal Nehru. 31, the planet nearest to the sun is, option D, Mercury. Question number 32, who was recently awarded with the Asian of the Year 2014 by the Straits Time? ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपको करंटली अगर जो अवार्ड्स मिल रहे हैं वो करके जाने, ये क्वेश्चन आपको इस टाइम पे नहीं करना। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2014 में उनको ये अवार्ड मिला था, एशियन ऑफ द ईयर 2014 बाय द स्टेट्स टाइम। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज नोन एज पैराडाइज ऑफ द अर्थ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कश्मीर वैली। 34, द फिल्म काई पोच इज बेस्ड ऑन द नॉवल एंड द करेक्ट आंसर इज बी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज वुलर लेक। 36, अ लूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। 37, ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 38, इन इंडिया द लॉन्गेस्ट डे ऑकर ऑन? एंड द करेक्ट आंसर इज June 21। 39, who among the following is not the recipient of Padma Vibhushan for the 2015? And the correct answer was Professor Jagdish Bhagwati.
48 द न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, उस टाइम पर न्यूएस्ट कंट्री 2015 में कौन थी? करेक्ट आंसर था साउथ सुडान. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एडी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव. 42. विच बैट्समैन स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कैरियर एट द एज ऑफ 16? और इसका करेक्ट आंसर है बी सचिन तेंदुलकर. क्वेश्चन नंबर 43. जीव मिल्खा सिंह एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोल्फ. क्वेश्चन नंबर 44. वट डज नाटो स्टैंड फॉर, NATO स्टैंड फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 45. हु बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन अप्रैल 2015? ये उस टाइम के पूछ रहे हैं आपको, करंट हमारे सीईसी कौन है वो कर जाने हैं. इलेक्शन कमीशन का पूरा टॉपिक ही आप लोगों को करके जाना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. उस टाइम हमारे 2015 में कौन बने थे? डॉक्टर नासीम जैदी. 46. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज 1757. क्वेश्चन नंबर 47. इन विच ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया एंड फ्रांस? करेक्ट आंसर इज 1914. 48. The headquarters of the International Court of Justice are located at, and the correct answer is option A, Hague, Netherlands. 49. The last ruler of Mughal dynasty was, and the correct answer is Bahadur Shah Zafar. 50. Dialysis is used for a patient suffering from, and the correct answer is kidney trouble. 51. Which film has been named best film at the Stockholm International Film Festival Junior in Sweden? 2015 का current affair का एक question है, उस time था Mary Kom. Question 52. The smallest state as land area of India is, and the correct answer is D, Goa. 53. The scientist who discovered that the earth revolves round the sun was, correct answer is B, Copernicus. 54. The number of chromosomes in human body is, and the correct answer is C, 46. 55. The ozone layer restricts, option D, ultraviolet rays. Question number 56. Which day is observed as World No Smoking Day, and the correct answer is D, 31st May. Question number 57. OS computer abbreviation usually means, and the correct answer is B, operating system. Question number 58. Which is the highest wartime gallantry award in India, and it is option A, Paramveer Chakra. 59. The first Indian to receive Nobel Prize in literature was option C, Rabindranath Tagore. 60th. Ordinary table salt is sodium chloride. What is baking soda? And the correct answer is sodium bicarbonate. Question number 61. In which of the following states are Ajanta Caves situated? And the correct answer is Maharashtra. Question 62. Chinggis Khan was. Chinggis Khan kaun the? Correct answer is B, Mongol. Question number 63. Lord Derby Cup associated with the game? And the correct answer is B, Rugby League Football. Question 64. Who is winner of Miss World 2014? Us time Miss World thi hamari Rolyn Strauss. 65. Which date is recently declared as International Yoga Day by UN? And the correct answer is option D, June 21. 66. Make in India initiative launched on, and the correct answer is C, 26 September 2014. Question 67. 2015 Cricket World Cup is held in, correct answer is B, Australia and New Zealand. 68. BRICS Bank headquarters will be established in, and the correct answer is C, China. Question number 69. What was the name of the official mascot of Brazil 2014 World Cup football? And the correct answer is A, Fuleco. 17. Question number 70. Which IPL team is the winner of IPL? 7. Yani jo us time IPL hua tha, us IPL team ki winner kaun thi? Aur uska correct answer hai B, Kolkata Knight Riders. 71. By which constitutional amendment act the National Judicial Appointments Commission has been set up? Yani NJAC kisme set up hui thi? Correct answer hai iska B, 99th Amendment Act. Question number 72. The phrase suo moto means, aur iska correct answer hai option A, on its own motion. Question number 73. Under Indian Penal Code, how many persons constitute an unlawful assembly? And the correct answer is 5 or more persons. Question number 74. The term xenophobia refers to, and the correct answer is B, unreasonable hatred of foreigners.
Question 75. Who amongst the following is not appointed by the President of India? And the correct answer is B. Advocate General. क्योंकि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है. क्वेश्चन नंबर 76. इन विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रोवाइडेड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10th स्केड्यूल. सारे ही स्केड्यूल्स 1 to 12 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उनकी जो लास्ट में जो हमारे 4 स्केड्यूल्स अलग से ऐड हुए हैं, उनकी अमेंडमेंट्स, उन अमेंडमेंट्स के ईयर और उनमें क्या क्या है, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है बी 11. 78. द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वो सेटअप इन 1946. ऑप्शन डी. 79. The constitution names our country as India, that is Bharat. Option D. Article 1 of our constitution. 80th. For the enforcement of fundamental rights, the Supreme Court may issue an, and the correct answer is writ. Question number 81. Which of the following writs is a bulwark of personal freedom? And the correct answer is B. Habeas corpus. Question number 82. In 1993, National Human Rights Commission was established under the, and the correct answer is A. Protection of Human Rights Act. 83. Bigamy laws are not applicable to, and the correct answer is B. Muslims. Question number 84. The phrase locus standi means, and the correct answer is a right of appearance in a court. 85. Right to Information Act 2005 secures access to information which is under the control of, and the correct answer is C. Public authorities. 86. How many theories of punishment are there in criminal justice system? And the correct answer is C. 5. कौन सी theories हैं वो भी आप लोगों को एक बार देख कर जानी है. Question number 87. Which of the following exercised the most profound influence in framing the constitution? And the correct answer is Government of India Act 1935, GOI Act 1935 जो हमारा था, उससे बहुत सारा जो हमारे sources थे constitution के वो लिए गए थे. Question number 88. Who decide disputes relating to the allotment of symbols to political parties? And the correct answer is option D, Election Commission. Question number 89. Who decides whether a bill is a money bill or not? And the correct answer is Speaker of Lok Sabha. Question number 90. In the national flag, which colors is used in the wheel? And the correct answer is B. Navy blue. आगे आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ये लोग आप ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और उसके बाद आपको अपने आंसर्स चेक करने. 91 का आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन 92 इसका आंसर भी है बी. क्वेश्चन नंबर 93 करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन 94 इट्स ए एंड क्वेश्चन 95 इट्स डी. क्वेश्चन नंबर 96 द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन 97 इट्स बी. क्वेश्चन 98 इट्स डी. Question number 99, the correct answer is option C. And last question, 100th question, and the correct answer is option C. ये सभी questions जो recent maths के हैं, वो सभी questions आप लोगों को solve करने हैं, check करने हैं कि कौन सी topic में से questions पूछे गए हैं, वो topics prepare करने हैं और अपने answers भी यहाँ से check करने हैं कि आपके answers सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. I hope this video helps you. और अगर आप लोगों को कोई भी doubt है, तो आप लोगों को doubt पूछ सकते हैं. Thank you so much.